हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए के एजुकेशन पॉइंट नंबर वन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो किसान भाई हैं और उनका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा था, तो उनका वो अपना स्टेटस कैसे चेक करें और कहां से चेक करें अपने मोबाइल में, ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अपना स्टेटस अपने मोबाइल में घर ही बैठे चेक कर सकते हैं और हमारे जो हमें लाभ मिल रहा था उस फार्म में कोई कमी तो नहीं आ गई है, हमारी एलिजिबिलिटी तीनों सही हैं या नहीं सही हैं, और जो मिलने वाली है 15वीं किस्त ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाकर डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पे टाइप करते हैं पीएम किसान। और सर्च कर देते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जो यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मर कॉर्नर में नो योर स्टेटस, तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चर कोड, तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर डायरेक्ट खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर बढ़ाना है और यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद में जो आधार लिखा हुआ यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे जो बॉक्स में आपको कैप्चर दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करना है, मतलब भर देना है, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर और जो ऐसे ही लिखा हुआ है तो छोटे में तो छोटे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम डालते हैं अपना कैप्चर। तो इसको हमें गेट मोबाइल ओटीपी सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हमारे पास ओटीपी नहीं है तो तभी हम चेक कर सकते हैं, गेट डिटेल्स ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ओटीपी हो या ना हो और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा निकल चुका है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको हम बैक कर देंगे यहाँ से। अब देखते हैं अपना स्टेटस, तो फिर से वहीं पे आ जाना है फार्मर कॉर्नर में और यहाँ पे नो योर स्टेटस इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है और यहाँ पे वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने निकाला है अभी उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ कैप्चर बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट कर ऊपर भर देना है। और गेट डाटा इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो खुलकर आ गया है हमारे सामने है, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए FTO जो है प्रोसीड यस है और हमारा जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो भी कंप्लीट है, तीनों चीज़ कंप्लीट है, हमारे अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो यानी 15वीं किस्त आने वाली है तो वो हमें मिल जाएगी, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखा रहे हैं वो 13 ही मिली हुई हैं, एक क्योंकि थोड़ा बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो इस 14वीं वाली देखते हैं इस प्रोसीड हुआ या नहीं हुआ अभी तक।
देखिए दोस्तों, अभी FTO प्रोसीड नो है। जब FTO जो पैसा प्रोसेसिंग में होगा तब यहाँ पे यस दिखाने लगेगा पेमेंट स्टेटस में। तो दोस्तों आप लोग भी अपना ऐसे चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, कहीं पर भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं दिखाता हूँ लाइव दिखाता हूँ, फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।